लगभग 1100 साल पुरानी हो चुकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में अब एक रहस्यमयी ट्रेंड देखा जाने लगा था। यहाँ के शहर अब खाली होने लगे थे। केवल 200 इयर्स में ये पूरी तरह से खाली हो गए और यहाँ की अर्बन सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो गई। इतने कम समय में इस सिविलाइजेशन का यूं खत्म हो जाना एक बड़ी मिस्ट्री को जन्म देता है। हिस्टोरियंस ने इस बारे में कई थियोरीज दी हैं। सो आज के वीडियो में हम इन्हीं थियोरीज के बारे में जानेंगे और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इन थियोरीज में सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट कौन सी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस कड़ी में सबसे पहली थियोरी है आर्यन इन्वेजन थियोरी। अपने व्यूअर्स को मैं ये क्लियर कर दूं कि ये थियोरी आर्यन माइग्रेशन थियोरी से बिल्कुल अलग है। जहां माइग्रेशन थ्योरी आर्यंस के इंडिया में आकर पीसफुली सेटल होने की बात कहती है, वहीं इन्वेजन थ्योरी आर्यंस द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन को इन्वेड करके उनकी संस्कृति को मिटाकर आज के नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान पर जबरन कब्जे की बात कहती है। ये थियोरी सबसे पहले इंडियन हिस्टोरियन रामप्रसाद चंद के द्वारा 1926 में दी गई। हालांकि जल्द ही वो अपनी इस थियोरी से मुकर गए। बाद में इस थियोरी को हिस्टोरियन और ब्रिटिश सेना में ब्रिगेडियर रह चुके मॉर्टिमर व्हीलर ने इलेबोरेट किया। उनके अनुसार ऋग्वेद में कई ऐसे रेफरेंसेस हैं जिसमें इंद्र को एज अ फोर्ट डिस्ट्रॉयर दिखाया गया है। आगे उन्होंने कहा कि जरूर ये फोर्ट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड होंगे। साथ ही उन्होंने ऋग्वेद में मेंशन हरयूपिया को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिली मास ग्रेवयार्ड को आर्यंस द्वारा किए गए मैस्कर से जोड़ा, लेकिन उनकी इस थियोरी में काफी लूप होल्स थे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में वेपन्स के एविडेंस काफी कम मिले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। सो अगर इतना बड़े लेवल पर इन्वेजन और मैस्कर होता तो जरूर वेपन्स के मास स्टॉक मिलते। यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो में मिले मास ग्रेवयार्ड के स्केलेटन भी सेम पीरियड के नहीं थे। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऐसा इन्वेजन होता तो जरूर ये सारे स्केलेटन सेम टाइम पीरियड के होते। और यही बात अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज डेल्स के साथ इंडियन स्कॉलर पीवी काने और बीबी लाल ने पॉइंट की। इसके अलावा इन लोगों ने बताया कि ऋग्वेद में मेंशन इंसिडेंट्स को किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड से नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि इनकी डेट्स आज भी अनसर्टेन है। इसके बाद व्हीलर ने एक बार फिर अपनी थियोरी को थोड़ा मॉडिफाई किया और कहा कि हो सकता है कि बाढ़ आना, ट्रेड का डिक्लाइन होना या रिसोर्सेज में कमी इस सभ्यता के खत्म होने का एक कारण रहा हो, मगर इंडस वैली सिविलाइजेशन को फाइनल ब्लो तो आर्यंस ने ही दिया। उन्होंने इसके लिए सेमेट्री एच कल्चर को आर्यन इन्वेडर्स द्वारा बसाई गई सिविलाइजेशन बताया, बट उनकी ये बात भी सच नहीं निकली। इनफैक्ट सेमेट्री एच कल्चर लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता था। ऐसा माना जाता है कि जब अर्बन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ तब हड़प्पन लोग शहर छोड़कर गांव में रहने लग गए और इसी रूरल सिविलाइजेशन को लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। और फिर ये भी एक फैक्ट है कि आर्यंस कभी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहरों में नहीं रहे, और अगर उन्होंने इन्वेड किया होता तो वे इन शहरों में जरूर रहते। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर जब कोई इन्वेजन हुआ ही नहीं तो यहाँ के शहर खाली क्यों हुए। पहले एमआर साहनी फिर जॉर्ज डेल्स ने इसका कारण टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई मूवमेंट्स को बताया है। डेल्स ने तर्क दिया कि मोहनजोदड़ो से 90 माइल्स की दूरी पर सहवान में रॉक फॉल्टिंग का एविडेंस मिलता है, जिसके कारण इंडस रिवर का रास्ता बदल गया और इस कारण से इस सिविलाइजेशन की कई साइट्स में पानी की कमी हो गई तो कई साइट्स पानी में समा गई। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट भी पूरी तरह से कन्विंसिंग नहीं माना जाता है। एक और कारण सरस्वती नदी का सूखना भी हो सकता है, और ये भी शायद टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ही हुआ हो। शायद यमुना नदी का रास्ता बदल गया जो सरस्वती नदी को पानी की सप्लाई करती थी। अब इस कारण से हरियाणा और राजस्थान में बसी हड़प्पन साइट्स में पानी की कमी हो गई होगी और लोगों ने शहर छोड़ दिए होंगे। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यहाँ के लोगों ने रिसोर्सेस का अंधाधुंध इस्तेमाल किया, जैसे कि ज्यादा फसलें उगाने से सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई,
बड़ी संख्या में फॉरेस्ट काटे गए, जानवरों को चराने से घास के मैदान कम हो गए और इससे रिसोर्सेस में कमी हुई और लोगों को सिंधु नदी का मैदान छोड़ना पड़ा। कुछ और थियरीज भी हैं लाइक मेसोपोटामिया से ट्रेड लिंक का टूटना और क्लाइमेट चेंज, लेकिन इन रियलिटी एक भी थियरी ऐसी नहीं है जो इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का फुल प्रूफ एक्सप्लेनेशन दे सके। अब कुछ फैक्ट्स लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी जानते हैं। लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये एक रूरल सिविलाइजेशन थी, जहां पंजाब में सेमेट्री एच कल्चर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगरों को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, वहीं गंगा यमुना दोआब में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बसने लग गए। गुजरात और साउथ इंडिया में भी साइट्स की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं सिंध, पंजाब और हरियाणा में इस समय तक कई साइट्स खाली हो चुकी थी। लेटर हड़प्पन पीरियड की पॉटरीज भी काफी अलग थी। ये पॉटरीज मैच्योर हड़प्पन पॉटरीज के मुकाबले कम ब्राइट और ज्यादा मोटी थी। सो यहाँ की लैंग्वेज डिकोड ना हो पाने की वजह से हम ये साफ साफ नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली किस कारण से इस अर्बन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था, लेकिन लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्रूफ मिलने से ये तो श्योर शॉट कहा जा सकता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी पूरी तरह से गलत थी, क्योंकि ये थियरी अचानक से इस सिविलाइजेशन के खत्म हो जाने की बात कहती है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी यही सजेस्ट करते हैं कि ये सिविलाइजेशन ओवरनाइट नहीं बल्कि ग्रेजुअली डिक्लाइन हुई थी, जिसमें 200 से 400 साल तक लगे थे। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी इंडस रिवर का रास्ता बदलना और उसके कारण बाढ़ की घटनाएं माना जाता है। वैसे आपको कौन सी थियरी सबसे सही लगती है? ड्रॉप अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप हमारे कोई भी नए वीडियोस को मिस न करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।